दोस्तों आज का टॉपिक है रुद्राक्ष, सेमी प्रेशियस स्टोन या जेम स्टोन्स। ज़्यादातर मैं अपने क्लाइंट्स को रुद्राक्ष और सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे लेपिस लेजुली, फिरोजा, सुलेमानी हकीक ही रेकमेंड करता हूँ कंपेयर टू जेम स्टोन्स। उसका रीज़न ये है कि जेम स्टोन्स एक तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और कॉस्टली होने के बावजूद जेम स्टोन्स का ओरिजिनल होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने 20-25 हज़ार का भी कोई जेम स्टोन लिया है तो बहुत ही कम चांस है कि वो 100% ओरिजिनल है। और दूसरी बात यह कि अगर आपने बाय मिस्टेक किसी गलत नेगेटिव प्लेनेट का जेम स्टोन पहन लिया तो आपके लाइफ के प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। और सेमी प्रेशियस जेम स्टोन और रुद्राक्ष बहुत कॉस्टली नहीं होते, 2-3 हज़ार मैक्सिमम 4 हज़ार के रेंज में आपको बेस्ट क्वालिटी का नेपाली रुद्राक्ष और सेमी प्रेशियस जेम स्टोन मिल जाएगा। और सेमी प्रेशियस जेम स्टोन के कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपने क्लाइंट्स को सेमी प्रेशियस जेम स्टोन और रुद्राक्ष ही रेकमेंड करता हूँ। और जेमस्टोन में तभी रेकमेंड करता हूँ जब इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और मेरा क्लाइंट 100% ओरिजिनल जेमस्टोन लेना अफोर्ड कर सकता है। दूसरी बात, मेरे क्लाइंट्स ज़्यादातर मुझसे पूछते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन है तो क्या हम रुद्राक्ष धारण कर सकते, तो उनको मैं दो एग्जांपल देता हूँ। एक तो बाला साहेब ठाकरे और दूसरा शम्मी कपूर साहब, दोनों नॉन वेजिटेरियन थे, दोनों ने रुद्राक्ष धारण किया था, रुद्राक्ष के वजह से दोनों को बहुत ही फ़ायदा हुआ, लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी आई। तो दोस्तों अगर आप रुद्राक्ष ले रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप 100% ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष ही लें। रुद्राक्ष में इंडोनेशियन रुद्राक्ष भी आता है और हरिद्वार का रुद्राक्ष भी आता है, हिमालय साइड का भी रुद्राक्ष आता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान के जो अक्ष गिरे हैं वो नेपाल में गिरे जहाँ से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप नेपाली रुद्राक्ष पहनते हैं और वो भी कुंडली के हिसाब से आपका जो ग्रह नेगेटिव है, जो आपको नुकसान दे रहे हैं, जिनकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसका रुद्राक्ष पहनते तो ही आपको बेनिफिट होगा। और दोस्तों जेमस्टोन्स जैसे पुखराज, मोती, माणिक, गोमेद, लसुनिया, ये बहुत ही सोच समझ के आपको धारण करने हैं। अगर कोई प्लेनेट कुंडली के लिए मारक है तो मारक प्लेनेट के जेमस्टोन्स आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करने। कोई प्लेनेट कुंडली में 3rd हाउस, 6th, 8th और 12th हाउस में सिचुएटेड है तो उसके भी जेमस्टोन्स आपको बिल्कुल नहीं पहनने। और भी बहुत सारे रीज़न है जिसके लिए आपको जेमस्टोन नहीं पहनना, लेकिन सब रीज़न मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। स्क्रीन पे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। फ्री बजट एनालिसिस के लिए आप मुझे आपके बर्थ डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। बर्थ डिटेल्स में आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपके नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप करना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आगे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।